अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुशहाबाद होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेक चीज़ी पोटैटोस। बहुत मज़े के बनते हैं और ऑब्वियसली बाहर भी आप लोगों ने खाए होंगे, तो घर में आप लोग बनाएं तो उसका जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 अदद आलू लिए हैं, ठीक है। इनको मैं खाल के साथ इनको बेक करूँगी, ठीक है। तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इनको मैंने धो के साफ़ कर लिया था, अब इनको मोटा मोटा करके काटूँगी, ठीक है। और उसके बाद इसको अगेन इसको वॉश करूँगी और फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से साफ ऑफ कर दिया था। इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, इसमें ज़रूर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, तो आप मैंने ये केक वाला लिया है। अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल, कोई और भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पोटैटोज इसमें ऐड कर दिए। सबसे पहले मैं इनको बेक करूँगी, उसके बाद हम लोग इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें पोटैटोज ऐड कर दिए हैं। इन द एंड इसमें मैं ऐड करूँगी मक्खन, ठीक है। मक्खन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत अच्छे से बेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको 20 मिनट तक बेक कर दिया था। अब हाफ जो पोटैटोज हैं वो मैं निकाल लूँगी, ठीक है, अलग से। तो यहाँ पे व्यूअर हमारे पास लेफ्ट ओवर चिकन रखा हुआ था, तो इसको मैंने किसी और चीज़ के लिए बॉयल किया, तो मैंने सोचा ये भी ऐड कर देती हूँ। तो इसके चिकन हम लोग ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि मैं इसमें लेयर्स लगाऊंगी। या मैंने पिज़्ज़ा के बाद चीज़ के बाद इसमें मैं क्या करूंगी, आलू जो बेक किए हुए थे लास्ट में वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगेन मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी ऑर्गेनो लीव और थाइम ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा, ठीक है, जितना आपको अच्छा लगता है। और उसके बाद इसमें हम लोग अपने चैटर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट तक बेक किया था, तो ये ऑलमोस्ट आलू भी रेडी हो चुके थे, चीज़ भी हमारा मेल्ट हो चुका था। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ जी मायोनीज़, इसका जीता फ्लेवर, ठीक है, से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन अनियन। अगर आपके पास ग्रीन अनियन नहीं है तो आप धनिया भी इस्तेमाल कर सकते, धनिया से भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। तो इसमें बारीक बारीक मैंने धनिया काट के ऐड कर दिए हैं। लास्ट में ये हमारे चीज़ी बेक पोटैटोस बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।